बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ करम सलीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अपने खेत के अंदर बोर करवाने लगे हैं, बोर पानी ज़मीन से। यहाँ पे नल लगाना है हमने, नलका जिसे हम बोलते हैं, तो वो इस वजह से लगाना है कि यहाँ पे आसपास कोई भी नल नहीं है। तो जब भी कभी कोई खेतों में आया होता है चारा लेने के लिए तो प्यास लग जाए तो फिर पानी पीने का मसला होता है। एक रीज़न तो ये है, दूसरी रीज़न ये है कि जब खेत जो है वो खाली हो जाते हैं तब जानवरों को ले आते हैं चराने के लिए गंदम की कटाई के बाद, तो गर्मियों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जब हम लोग रेसिपीज़ बनाने के लिए खेत में आते हैं बार बार हमको जो है वो रूटर चलाना पड़ता है, तो वो कोई थोड़ा सा पानी भी चाहिए होता, इसलिए भी नलका जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आज हम बोर करेंगे यहाँ पे नलके का और यहाँ पे नल लगाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए अच्छा काफ़ी है महाराज। वर्मा जो है इसका ये फायदा कि ये पाइप जो पहला पाइप रखना है ना जमीन में उसके लिए जगह बन रही है। तकरीबन 6 फुट जो है इसके साथ हो गया जमीन में और अभी जो है वो पाइप की मदद से रखा जाएगा। केड़ा पाइप है पहला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यो मेरे परवरदिगार करो कर। ठीक हो गया मिस्टर साहब? तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला पाइप जो है वो जमीन के अंदर रख दिया गया। तो ये तरपाई है, तरपाई बोलते हैं इसे, तो इसकी मदद से चैन कुप्पी लगेगी इसके ऊपर, उसकी मदद से बोर होगा बोकी के साथ और अभी इसके ऊपर लगाने लगे हैं। अभी इसी साहब जिदों भी बोर कोई भी करना है साहब तो पहले तेल लाने जाना हर बारी ऐसा बोर लाना बड़ा ऐसा है तेल लाओ। टांग दिए लो जी, ठीक हो गया सर? ठीक हो गया। पानी से ये होगा कि ये बोकी जो है ये आसानी से काम करेगी। Thank you.
गाड़ी भर दिए। तो अभी चूंकि एक ही बंदे का काम है यहाँ पे, तो अभी मौजम भाई की जो खिदमात है वो भी हासिल करेंगे, लेकिन अभी चूंकि एक बंदे से काम चल रहा है तो मैंने सोचा आज वर्जिश होनी चाहिए दोबारा से। ताकि सानू भी पता लगी जाए, जेड़े साढ़े देखने वाले ने उन्होंने पता लगी जाए। करम भाई नाश्ता कर लो, आज आज। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी नाश्ता है, नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आलू और मटर का सालन है, दही है, अचार है और चौपड़ी हुई रोटियां मक्खन के साथ, देसी घी के साथ, साथ चाय है और साथ आमलेट। तो अभी इसके ऊपर ना वजन रखना है, क्योंकि चौथा पाइप आई थिंक लग गया, तो वजन जरूरी होता है। तो वजन के लिए मौजम भाई ऊपर खड़े हो रहे थे, तो वो काम थोड़ा रिस्की है। तो अभी इसमें वैसे भी अगर ईंटें हों तो वो रख ली जाती हैं, लेकिन अभी चूंकि मिट्टी जो है वो तोड़ू में भर के वो रखेंगे। किथे लगे हो करन स्प्रे? ते पानी आदे च भरिया जे? पानी आदी च, पर कई दफा आदे च नीन हुंदा, फिर खाली हो जान ते फिर मगर नलके दी पानी दी बहुत परेशानी हुंदी, फिर दूरू लियाने पैंदा तुहानू, बहुत दूरू लियाने पैंदा। ते हुण इंशाल्लाह ओ तुहाडा मसला क्लियर हो जाएगा, इहनां दी मेहरबानी आ। चलो इहनां नलका लवाता ओ। नहीं चाचा यार, ऐ ना गल करो, कर लो ठीक है। साड़ी फिर कल याद ना कर छड़े, ठीक है। पानी वाली थोड़ी टेंशन मुक्की, अल्लाह खैर रखी, पानी वाली मुक्की, अल्लाह ने चाहे थे हूं नहीं तुहानू परेशानी होंगी। हूँ गर्मियां सर्दियां तो चलो फिर भी नहीं, सर्दियां औखा। अच्छा बोर हुआ
और मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी आ जाएगा और रेत जो है वो तकरीबन दो पाइप आ गई है। ये देखे रेत पानी निकरम करम भाई ये देख, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि देख ले अगर एक पाइप और रेत के अंदर चला जाए तो तकरीबन 8 फुट रेत आ गई है और अभी 1 फुट और कह रहे हैं निकल जाएगी रेत। माशाल्लाह माशाल्लाह रेत आएगी, रेत आएगी और आएगी। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि 35 फुट पे रहने देते हैं, लेकिन अबू जान और चाचू जान कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे ले जाएं बोर को, क्योंकि उससे एक तो ये होगा पानी ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ ही था, दूसरा ये है कि अगर ऊपर रखेंगे ना तो फिर गर्मी जब शदीद होती है तो फिर वो पानी उतर जाता है बाजू का। टेंशन नहीं लानी भी यार, रेत बड़ी है, रेत हम चढ़ेगी और हमारा सब किथे पड़ी जाएंगे हैं आ जोर देके किथे जाएंगे है। उन दानेदार रेत आई है, हम नहीं भर के थोड़ा ही भर के तो पहले सोचा था कि 35 फुट पे रहने देंगे, लेकिन अभी अभी जो है वो तकरीबन 40 से 47 फुट बोर हो गया। अभी चलते हैं मार्केट और मार्केट से लेके आते हैं इसका सामान। तो अभी जो रेत के अंदर जाएगा ना कितना बनना है, 3.5 फुट फिल्टर बनाएंगे जिसके जरिए जो पानी है वो ऊपर आएगा। भाई जो है वो कैमरे पे हैं, हम लोग आए थे और ये हमारे अब्दुल हादी भाई, तो इन्होंने जनाब गर्मा गर्म चाय और पकोड़े जो हैं वो मंगवा लिए हैं। अच्छा, बड़ी मोहब्बत करते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से सामान वगैरह जो वो लेके जाते हैं, और लास्ट टाइम जब वो जंगल में जो था नलका उसका मसला हुआ था ना, तो वो जैन और मैंने यहीं से सामान जो है वो लेके गए थे। तो एक तो चीज़ अच्छी देते हैं, दूसरा रेट इनका मुनासिब होता है, बाकी जो मार्केट के दुकानदार हैं उनसे मोहब्बत करते हैं स्पेशल। अभी चाय और पकौड़े खाएँगे, उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई हैं फिल्टर जो है तैयार कर लिया मिस्त्री साहब ने। ठीक है मिस्त्री साहब, राम राम क्यों हो गया, की करना है चूड़ी पानी। ये जो है इसे बोलते हैं चट्टू, और ये जो बाकी है इसको मशीन बोलते हैं, और अभी इसके नीचे जो धागा लपेटा है वो इसलिए लपेटा ताकि इससे लीक नहीं रहेगी, और इसे बोलते हैं गज गज, और ये है हथी।
गुच्छा बोलते हैं और इसे बोलते हैं बोकी। ये प्लास्टिक की है, इसे बोलते हैं वाल। इसका मकसद ये होता है कि इसने पानी जो है इसके अंदर रखना होता है, और जब भी एक पंप आप लगाएंगे ना तो चट से पानी बाहर आ जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठता है और पानी निकलता है। जैसे ही आपने पंप छोड़ा ये नीचे फिर बैठ जाता है और पानी जो है वो सेव हो जाता है। अगर ये खाली हो जाए, ये ख़राब हो, तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको पानी निकालने के लिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये पानी रखेगा, आप 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जब भी एक पंप लगाएंगे तो पानी वो आपको पानी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा पानी निकालने के लिए, जस्ट एक पंप लगाया और पानी। अनाया जो है वो बहुत ही ज़िद कर रही थी और अनाया जो है वो भी मेरे साथ आ गई। लो जी काका जी, खेलो बाइक वहीद के पास चले जाओ, शाबाश, उधर चार पाई पे चले जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। आग ने बहुत तंग किया, पहले तो माचिस नहीं मिल रही थी, जैसे मिली और ये थोड़ी जो है वो गीली हो गई हुई थी और अभी आग जला दी है। अभी फिल्टर की तैयारी सबसे पहले होगी। ये पाइप जो होता है इसको आग लगाने से ये नरम हो जाता है, तो इसलिए ये साथ थोड़ा सोल्यूशन जो है वो लगाना, और ये हो गया फिक्स। ये कपड़ा है, ये डबल हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि रेत ना, बिल्कुल साफ पानी आएगा। पानी वैसे ही साफ होता, सिर्फ ये होता है कि रेत वगैरह ना आ जाए। चक्कर मार रहा है, अरे ब्लेड में मार रहा आराम से, मैंने टोकना लगन वाला चल बाहर एक बार ओ तू गिरा है ना बाहर। आहो तू बाहर है, चल 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 कोट के हाथ पाई चलो चल लाने चलो चल। ये जनाब जो फिल्टर वाला पाइप है वो चला गया नीचे, और अभी इसके ऊपर जोड़ लगाएंगे मिस्त्री साहब दूसरे पाइप का। लाओ जी जोड़ लाओ माता की। और ये गीली टाकी लगाने से जो है ना ये सख्त हो जाता है, साथ टाक की मदद से ये पाइप नरम किया होता है। छोड़ से लावा या तेल पास छोटा थोड़ा तेल टाकी दबा साफ करिए यार। निकला तो जो नाली थी ना, जो माल लेके आए थे नाली, वो हमने इसके अंदर रख दिया। अभी जो बोर है लोहे के पाइप ये निकाल लेंगे और उसके बाद इस पर नलका फिट करेंगे इंशाल्लाह। छोड़ो, और ये सेकंड लास्ट पाइप है, दो पाइप सिर्फ रह गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो तकरीबन खत्म हो गया। पर यार जा कडो में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेन काम था वो खत्म हो गया। असल में हम चाह रहे हैं कि इसके लेवल हो जाए इसके बराबर, और फिर यहाँ पे सीमेंट के साथ ना जगह पक्की कर दे,
इसलिए ऊंचा कर रहे हैं। करियो पीछे सोती यार पीछे खलवाऊं बात करना चाचू जी आज रोटी खाई हुई आज स्प्रे होती रही है। हमने नाश्ता काफ़ी लेट किया था तकरीबन 10 के करीब क्योंकि सुबह सुबह के हम लोग आगे हुए थे। अभी जो दोपहर का खाना है वो भी हमने खुद ही लेट मंगवाया और खाने में अभी आलू गोभी और चिकन का सालन है तो खाना खाते हैं। और अभी मुकल्लफ भाई चाह रहे हैं कि ड्रोन जो है वो भी उड़ाया जाए, आप ड्रोन के शॉट देखें और हम खाना खाते हैं और बाद में जो बाकी काम रह गया है वो ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये जो लोहे की नाल है ये बड़ी है और ये छोटी है और ये उसके अंदर फिक्स होनी है तो इसलिए इसको नरम कर लेंगे। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह गीले कपड़े से बोला क्या होता है जब ये नरम होता है ना तो जोड़ लग जाता है, जैसे ही गीला कपड़ा ऊपर फेरें तो ये यकदम से फिर सख्त हो जाता है तो इससे जोड़ बड़ा अच्छा लगता है। जोड़ पे टेप भी कर देंगे ताकि मजबूत हो जाए जोड़। मट्टी लगाने से ये होगा कि ये लीकेज वगैरह थोड़ी बहुत हवा जो है वो नहीं लेगा क्योंकि हवा अगर लेगा तो फिर पानी नहीं आएगा। तो चूंकि बाद में इसको पक्का करेंगे अभी आरजी तौर पे चेक करने इसलिए मट्टी लगाई जा रही क्योंकि अभी चेक करना पानी तो फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा डालना पड़ेगा पहले पानी बड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी अभी पानी आ रहा है मट्टी वाला क्योंकि पहले मट्टी वाला आएगा फिर आस्ता आस्ता साफ हो। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सिर्फ चेक के लिए गेर रहे हैं ज़्यादा जोर से नहीं गेरना आहिस्ता आहिस्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह नाल जो है वो पूरी भर के आ रही है। और अभी क्योंकि इसकी लीकें वगैरह भी होगी जब अच्छी तरह ये फिक्स होगा पानी जो है जैसे जैसे इसको हम गेड़ेंगे पानी साफ होता चला जाएगा इंशाल्लाह। अब मुबारक हो माशाल्लाह जड़ी असी मेहनत की अल्लाह ताला ने सानू सिला दे दिता तो पानी माशाल्लाह जबरदस्त आ गया। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का जितना ज़्यादा हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है क्योंकि पानी से ही ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही आसानी से दस्तयाब है। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इस साइड पे कोई भी नलका नहीं था इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे नलका ज़रूर लगवाना चाहिए। तो उम्मीद है कि मज़ा आया हमको काम करके बोरिंग का सारा जो प्रोसेस था। उम्मीद है अगर आपने वीडियो सारी देखी है तो आपको भी मज़ा आया होगा और आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आप भी साथ साथ काम कर रहे थे। बहुत मज़ेदार प्रोसेस था बड़ा मज़ा आया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। बांध देंगे ताकि कोई मट्टी वगैरह इसके अंदर ना चली जाए क्योंकि सुबह इंशाल्लाह इसका बकाया काम जो है वो हमने कर लेना है।
अभी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें भाई को। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।